हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक तरह से आप इसको रिवीजन वीडियो समझ लीजिए कि आपने जितने भी तैयारी की है उससे आपको ये पता लग जाएगा इस वीडियो से कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह की बहुत सी वीडियोज आएंगी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपके 10 क्वेश्चन जो है रिवीजन हो जाए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद किया था। यहाँ पर हम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर आंसर साथ साथ देने हैं कि कांगड़ा के शासक जो जयचंद था उसको किस मुगल बादशाह ने बंदी बनाया था। तो इसका सही आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। तो आई होप आपका यह ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का कौन सा शासक यानी कि राजा सिकंदर लोधी का समकालीन था। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि समकालीन का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक ही टाइम पीरियड में मान लीजिए 980 है, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है, मान लीजिए 1757 है। इस टाइम पर कांगड़ा का राजा कोई है, एक पर्सन कांगड़ा का राजा भी है और उसी समय कोई मंडी का राजा भी है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये समकालीन हुए, ठीक है। तो उस चीज को बोला जाता है समकालीन, यानी कि एक ही टाइम पीरियड में जो सभी राजाएं हैं वो एक दूसरे के समकालीन है। तो यहां पर पूछा गया है कि नूरपुर का कौन सा शासक जो है वो सिकंदर लोधी का समकालीन था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भीलपाल, यानी कि सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है दस्यु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो वो रखा था उसने 326 बीसी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल के किस गांव को सिकंदर महान के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन आपके पास चार दिए गए हैं, ठीक है, साथ साथ आपको चूज करना है, पता हो तब भी, नहीं तो आपको गैस करना है कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलाना। मलाना कहां पर पड़ता है, कुल्लू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में नवगठित राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथी शताब्दी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा जिसको नगरकोट भी बोलते थे, ठीक है, पर आक्रमण किया था। तो वो किया था हमारा 1398 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था उसका कमांडर कौन था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से ये भी बनता है आपका कि कांगड़ा किले को मुगल सेना ने कब अपने अधीन किया था, 1620 में, और जो सेना थी उसका कमांडर कौन था। यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है। तो कमांडर जो था वो था नवाब अली खान। अगला क्वेश्चन है, 1682 में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहां के राजा कौन थे, ठीक है। अभी प्रीवियस में जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था 30 तारीख को, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिलासपुर दूसरा पूछा गया था उसमें, ठीक है, तो वहां का राजा कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो एक तो ये पता होना चाहिए आपको कि गुरु गोविंद सिंह जो बिलासपुर आए थे कौन से सन में आए थे, वो आए थे 1682 में, और उस समय वहां के राजा कौन थे, तो वो थे हमारे भीमचंद। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंगाणी साहिब की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो बंगाणी साहिब की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1686 ईस्वी में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से, ये जो भी मैं सेशन चला रहा हूँ, एक वीडियो इससे पहले भी आई थी और ये भी आई थी, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बहुत से लोगों को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि सिलेबस बहुत होता है। तो आप वीडियो के थ्रू 10-10 क्वेश्चन करके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।